Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. अजीब है ये प्रथा भारत की इस राज्य में जहाँ शादी से पहले बच्चा पैदा करना है ज़रूरी। दोस्तों, भारत देश में कई विभिन्न प्रकार की जाति धर्म और समुदाय के लोग रहते हैं और इन सभी धर्मों और समुदाय की अपनी अपनी परंपराएं भी होती हैं, मगर इन परंपराओं को सुनकर कभी कभी कुछ अजीब सा भी लगता है। ऐसी ही एक अजीब परंपरा के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। भारत के गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में गरशिया नामक एक जनजाति निवास करती है। यह जनजाति मुख्य रूप से गुजरात की अरवल्ली और भीलोडा में और राजस्थान में सिरोही और उदयपुर में निवास करती है। इनका रहन सहन और वेशभूषा की वजह से इन प्रजातियों की एक अलग ही पहचान है। इन जनजाति की अनोखी प्रथा आज की मॉडर्न सोसाइटी की लिव इन रिलेशनशिप संबंधों से काफ़ी मिलती जुलती है। इस जाति का यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है जहाँ जवान हो चुके लड़के और लड़कियाँ आते हैं और अपने मनपसंद साथी को ढूंढकर एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान उन्हें एक बच्चा पैदा करना पड़ता है जिसके बाद ही इन दोनों की शादी की जाती है। नियमानुसार मंजूरी दी जाती है, यदि किसी कारण बच्चा नहीं हुआ तो दोनों का रिश्ता टूट जाता है। इसके बाद ये दोनों फिर एक बार उसी मेले में शामिल होकर अपने लिए दूसरा पार्टनर ढूंढते हैं और फिर से लिव इन रिलेशन में उनके साथ रहते हैं। इस अनोखी प्रथा को यहाँ डापा प्रथा के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, अगर बच्चा हो भी गया तो कभी कभी पैसों की तंगी की वजह से या पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते अपनी शादी को टालते भी रहते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी शादी होते होते उनकी आयु 40 वर्ष से भी ज़्यादा की हो जाती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि शादी के समय इनकी बारात में बेटा बेटी या फिर पोता पोती भी नाचा करते हैं। कथित तौर पर इस जनजाति की यह प्रथा करीब 1000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.